अगर आप इसके ऊपर कुछ एंचेंटमेंट लगाना चाहते हो तो बेस्ट एंचेंटमेंट होता है और आज हम कुछ रेयर थिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि माइनक्राफ्ट में रेयर थिंग्स बहुत सारे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये तो गाइस, पहले जो रेयर थिंग है वो, अरे यार पेड़ से उतर गया है। तो पहले जो रेयर थिंग है नंबर 10 में वो है एक टैग, नेम टैग, जो को फिशिंग में मिल जाती है। देखो यार, नेम टैग कुछ ऐसा दिखता है और ये आपको फिशिंग करते हो तो आपको मिल जाता है कभी कभार। तो अगर आप पानी में फिशिंग करते हो तो आपको नेम टैग मिल जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा ही। और आप इसका नेम चेंज कर सकते हो इससे किसी का भी। तो उसके लिए कुछ ये होगा एक एनविन जो कि 3 आयन ब्लॉक से और 4 आयन से बनता है। तो कुछ एनविन को आपको इस तरीके से रखना और इसके अंदर जाना और आपको नेम टैग में जब कुछ नेम लिखना है ऊपर, तो ओके मैंने सारे को दे दिया। तो शीप को दे देता हूँ, ये रहा एक शीप। और आपको नीचे एक नेम का ऑप्शन दिखता है तो नेम लिख दो तो इसको एक नेम दे देगा। और ये आपका मर जाए कभार, लाइक डिस्पॉन हो जाए ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा के लिए जिंदा रहेगा अगर आप उसके ऊपर नेम टैग डाल देंगे। तो ये इसकी एक खासियत है। और नेक्स्ट रेयर थिंग है वो है एक बेल जो कि आपको विलेज में मिलती है, तो मैं विलेज में जाकर दिखाता हूँ। तो इस जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक बेल जो कुछ इस तरीके से दिखती है, जो आपको विलेज में मिल जाएगा, इसको आप यूज़ करके बचा सकते हो। और ये एक अनक्राफ्टेबल चीज़ होती है। और मैं एक बता दूँ, ये जो टॉप 10 आइटम्स के बारे में बोलने वाला हूँ वो सारे अनक्राफ्टेबल भी होने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आप इनको क्राफ्ट करके डाल सकते हो। तो एक बेल एक अनक्राफ्टेबल चीज़ है, देख पा रहे हो बहुत खतरनाक साउंड कम कर दूँ ऐसे करके। तो उस टाइम क्या होता है, जो भी विलेजर्स होते हैं वो लैक्ट अलर्ट हो जाते हैं और अपने घर के घरों के अंदर जाके बेड में जाके सो जाते हैं, यानी कि बेड के पास चले जाते हैं। तो ये है, यही ये एक मेन चीज़। और जो आयन गोलम होते हैं वो भी रेडी हो जाते हैं एक तरीके से। ये रहा जो आयन गोलम है ये वाला, इसको बनाना इजी है यार, सिर्फ 4 ब्लॉक ऑफ आयन चाहिए, जो कि ईजी तो नहीं है। 4 ब्लॉक ऑफ आयन और एक कार पंपकिन चाहिए जावा में। और पॉकेट में तो यार 4 आयन ब्लॉक और एक नॉर्मल पंपकिन या फिर कार पंपकिन भी यूज़ कर सकते हो। तो जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ कार पंपकिन पॉकेट एडिशन में यूज़ करते हैं, आप इवन नॉर्मल पंपकिन भी खा सकते हो। और मैं उड़ के क्यों भाग रहा हूँ। तो ये गाइस नेक्स्ट जो अनक्रप्टेबल चीज़ है और थोड़ा सा रेयर है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक, क्या बोलते हैं, अरे मैं भूल गया। तो नेक्स्ट जो आइटम है नंबर 8 वाली वो है एक, क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ द सी। यस, तो भाई नाम से समझ आ रहा है हार्ट ऑफ द सी, तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है इससे, आप पानी में सांस ले सकते हो। तो लेकिन हार्ट ऑफ द सी को यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ बनानी चाहती है, वो होती है कॉन्विट। कॉन्विट बनाने के लिए आपको एक क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत है। हार्ट ऑफ द सी, हार्ट ऑफ द सी जो है बोलो, कुछ इस तरीके से दिखती है वो। तो आपको जिन करना क्या है, क्योंकि इसकी रेसिपी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जाना है और आपको कुछ इस तरीके से रखना है, आपको आपके सारे ऐसे कुछ 9 शेल्स और एक हाथ हम से इधर, तो आपको मिलेगा एक कॉन्विट इस तरीके से दिखने वाला। इसको चलाने के लिए आपको चाहिए कुछ ब्लॉक्स जिसका नाम होता है प्रिज्मरीन। तो प्रिज्मरीन ब्लॉक ले लेता हूँ, ये रहा। ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो, छोटे वो भी यूज करते हैं। प्रिज्मरीन आपको मिलते हैं उस जगह में, ओशन मॉन्यूमेंट में। तो अगर आप ओशन में जाओगे तो इसको लेना मत भूलना। तो मैं बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको 5 बनाने हैं और एक और 1, 2, 3, 4, 5, फिर ऐसे करके करना। कुछ
चीज का रियल दिखेगा वो, और एक ब्लॉक ही बता ना, आई मीन मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो छोटा चाहिए मेरे को। हाँ छोटा होता है थोड़ा सा, हाँ कुछ इस तरह ये दिखता है, और फिर एक बीच में कॉन्विट और इसको तोड़ दो। तो अब देख पा रहे हो तो ये चलना शुरू कर गया। एक्चुअली इसके अंदर एक आंग दिखती है, जो कि अगर आपको बनाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल और क्रूजमरीन ब्लॉक डाल दो, उसकी रेंज बढ़ जाएगी थोड़ी सी। और इसके पास जो भी मॉब आएगा, लाइक फिशर्स आएगी, जो चाहे वो आएगी, वो मरना शुरू हो जाएगा। तो इसकी खासियत ये है, तो ऐसी कुछ दिख रही है आपको, देख रहे हो। तो मैं इसका रेंज और बनाते, तो इसमें नाइट विजन भी दिखता है और आपको मिलता है कुछ ब्रीथिंग का, आप ब्रीथ कर सकते हो आसपास। तो यही है कॉन्डिट का, मेरे को यार नहीं यूज़ तो नहीं है। तो देख रहे हो क्या मस्त यार, क्या मस्त लग रहा है कॉन्डिट। तो अंदर सब देखोगे तो यार देखो, और इसके पास अगर कोई भी हॉस्टाइल मॉब आएगा, जैसे कि अगर मैं लाइक सॉन्ग जो कोई क्रीपर राउंड, हाँ ड्राउनर डाल दो और आपको दिखा दो तो क्या होगा, वो तो मरने मरना शुरू हो जाएगा। अरे ना क्यों नहीं मर रहा, शायद कोई ग्लिच तो नहीं है। इसकी रेंज थोड़ी कम तो नहीं है, आता रहता है। तो ये था गाइस कॉन्विट, तो ओके यार ये कॉन्विट पावर अभी भी है, इससे आप ब्रीथ कर सकते हो पानी से। और ये था गाइस नंबर 8 चीज़, जो कि थोड़ा आसान से मिल जाती है, आपको सिर्फ ट्रेजर ढूंढना होता है। तो नेक्स्ट जो अनक्राफ्टेबल चीज़ है वो है एक, वो थोड़ा रेयर तो नहीं है शायद, एक आई कर तो एक मिनट। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक सी पिकल, जो कि एक लाइट होती है, जो कि आपको दिखाता हूँ। तो सी पिकल कुछ इस तरीके से दिखती है वो, तो आप इसको पानी में लगा सकते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखता है वो। मैंने कोई शेडो पैक इंस्टॉल नहीं किया है, तो यार थोड़ा सा ऐसे दिखेगा। मैं इसको रात कर देती हूँ, तब आपको नज़र आएगा अच्छी तरीके से। टेंशन मिडनाइट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो पूरी रोशनी हो गई है उधर, थोड़ी सी अच्छा एक डालते हो थोड़ी सी रोशनी होती है, दो डालते हो थोड़ा और रोशनी हो जाता है, तीन डालते हो थोड़ा और चार डालते हो तो पूरी एरिया में रोशनी फैल जाती है। और आप बाहर डालते हो कुछ नहीं होता, आप देख पा रहे हो। तो ये आपको विलेजर्स में मिल जाते हैं कभी कभार। और भैया अरे यार मैंने ड्रोन ट्रिक ऑन कर दिया है। तो यह था गाइस नंबर 8, आई मीन नंबर क्या था, नंबर सेवन। हाँ भाई जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक ट्राइडेंट, जो कि मैं निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरह दिखता है, देखो यार ये थोड़ा रेयर होता है और ये अनक्राफ्टेबल होता है, तो आप देख पा रहे हो। इसे आप ऐसे करके फेंक सकते हो, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ एन्चेंटमेंट लगाना चाहते हो तो बेस्ट एन्चेंटमेंट होता है लॉयल्टी। अरे पहले ही था ना यार, मैं भी ना कर रहा हूँ। सब कुछ इस तरीके से रखना है, आपको मिल जाएगा लॉयल्टी 3। और इसका फ़ायदा पता है, बहुत खतरनाक फ़ायदा है, अगर तुम किसी को मारोगे तो ट्राइडेंट आपके पास फिर से आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, तो ऐसे आप फिर से करके यूज कर सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है। तो नेक्स्ट के बारे में आते हैं। तो गाइस जो नंबर 5 है वो है एक म्यूज़िक डिस्क, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूज़िक डिस्क कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इसमें बहुत सारा म्यूज़िक डिस्क होता है, तो कुछ इस तरीके से। इसको चलाने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है जूक बॉक्स। तो मैं जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक बॉक्स, तो सॉरी यार थोड़ा सा मेरे पापा आ गए थे तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से आप प्लेन प्ले कर सकते हो, सिंपली जूक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो तो प्ले हो जाएगा। और ये थोड़ा रेयर होता है, और ये आपको ट्रेजर में मिल जाएंगे कभी कभार, और फिशिंग में भी मिल जाता है कभी कभार, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो सी पिक। तो ऐसे करके आप एक म्यूज़िक डिस्क फार्म बना सकते हो, और गन पाउडर म्यूज़िक डिस्क फार्म। तो नेक्स्ट जो आइटम है वो थोड़ा, और ये थोड़ा खास है, तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं तो दिखाता हूँ। नेक्स्ट आइटम है वो है एक चेन आर्मर,
आपका चेन आर्मर बहुत इससे आप थोड़ा सा यानी कि ट्रांसपेरेंट लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देख पा रहा हूँ मैं कैसे ट्रांसपेरेंट लग रहा हूँ। तो इसी का यूज़ है यार, बड़ी ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं है इसका। तो ये था नंबर, ये नंबर 4 या फिर नंबर 5 था ना, नंबर 4 है, हाँ नंबर 4 है ये। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक स्पंज, जो कि अनक्रफ्टेबल होता है और आपको मिलता नहीं है जल्दी, होता है ओशन मॉन्यूमेंट में, जो कि जहाँ पे हम जाएंगे अपनी सर्वाइवल सीरीज में। तो जो वेट स्पंज होती है उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल स्पंज होती है उसकी मेन यूज़ है। अगर हम नॉर्मल स्पंज होते तो आप देख पा रहे हैं पानी को पूरी तरह सोख लिया इसने, पूरी तरीके से पानी को ही सोख दिया इसने। तो मैं इधर डाल के दिखा दो, इधर पानी है तो आप देख पा रहे हो भाई कैसे पानी को एक सोख रहा है। और ऐसे करके आप पानी के अंदर कुछ बना सकते हो चीज़, तो पूरा पानी सोख लेता हो। स्पंज का नाम सुन के तो यार अब पता ही है कि ये स्पंज का यूज क्या है। तो वो चीज़ था, ये देख लो भाई क्या ये खतरनाक यूज है स्पंज का, यानी कि आप इससे लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि यार माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड एंडलेस है और ये कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा इम्पॉसिबल लगा आपके लिए, लेकिन आप कर सकते हो अगर आपके नियरेस्ट प्लेसेस में आप रेगुलरली जाते हो माइनक्राफ्ट में, उस जगह में आप नो वाटर कर सकते हो। वैसे करके आप बना सकते हो, तो सारा पानी सोख लिया मैंने भाई, देख रहे हो भाई क्या खतरनाक इसका, देख रहे हो। तो इन्फिनाइट वाटर सोर्स है ना, उसको पूरी तरीके से खतरनाक करके इसने पूरी तरीके से सोख लिया भाई। देख पा रहे हो, बाप रे इसका यूज़ देख रहे हो। ये नंबर 3 आइटम है फिलहाल, तो अभी नंबर 2 में आते हैं। जो नंबर 2 में है उसका नाम है टोटम ऑफ अंडाइन, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको दूसरे हाथ में लगा सकते हो ऐसे करके, और इसका यूज़ क्या होगा उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक जगह बनानी होगी लावा। तो क्यों मैंने लावा लिया मैं बता दो, तो इधर एक घट्टा हो रहा था लावा लावा का, अरे जल गई। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, और फिर मैं जाता हूँ सर्वाइवल मोड में, सर्वाइवल में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या होता है इससे। तो आप एस्केप करने की कोशिश करो, लेकिन एस्केप नहीं कर रहे तो ये आपका यूज़ होगा, देख रहे हो क्या भाई साहब। अब मरोगे नहीं, मतलब कि आपको एक चांस मिल जाएगा भागने के लिए। तो यार बहुत खतरनाक चीज़ है भैया, आप ही मतलब कि एक तरीके से क्या हो जाता है कि कभी कभार ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि तब इसका जो माइंड ये यूज़ करने का टाइमिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है, और तब थोड़ा सा टाइम डिले ले लेता है, यानी कि डिले करता है वो। जब भी स्पंज डाल के ना पूरा ये सोख लो। तो नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है वो, उसके लिए मैं एंड में आया हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि यार मैं ये चीज़ एंड में ही दिखा सकता हूँ मैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है वो। उसका नाम है ड्रैगन एग, और पता ही और बहुत लोग बोलेंगे यार एलाइट्रा तो रह गई, एलाइट्रा बहुत रेयर है। तो क्या जो एलाइट्रा होती है वो नंबर 1 में नहीं है, वो होती है नंबर 2 में, लेकिन मैंने टोटो में फंडाइन डाल दिया था। तो अगर आप ड्रैगन को मारते हो तो आपको ये एक कुछ इस तरीके से रखा हुआ दिखेगा, और साइड में पूरे टॉर्चर्स रखे दिखेंगे, और अगर आप इसको क्लिक करते हो टेलीपोर्ट हो जाता है। इसका लेने के लिए एक ट्रिक है दिखाता हूँ आपको, उसके लिए कुछ ये होता है टॉर्च, और आपको 2 ब्लॉक्स नीचे डिक करना होता है, और एक ब्लॉक इधर और इधर नीचे टॉर्च, और फिर उसको तोड़ लो और आपको मिल जाएगा वो ड्रैगन का एग। तो कुछ इस तरीके से पैसा देखो, ड्रैगन का एग मिल गया मेरे को। तो ये है ड्रैगन का एग, जो कि इस तरीके से दिखता है, जो कि एंडर ड्रैगन को मारने के बाद आपको मिल जाता है। और इसका मेन मैंने क्यों रखा है, तो देखो यार ये हैच करने के लिए होता है,
इसको मारना तो चाहता नहीं हूँ यार, लेकिन मैं हैच करना दिखाना चाहता हूँ, तो एक बार मैं इसको मार ही देता हूँ। अब इसको मैं कट ले लेता हूँ। यस तो मैं डेडन को मार रहा हूँ, देख पा रहे मर गया क्या। तो देख रहे ऐसे करिए आपको मिलता है आपको ये ड्रैगन का एग, और इसको स्पॉन करना बहुत ईजी है। देखो यार स्पॉन करने के लिए अब उसे करना क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है ना, ये ड्रैगन एग को निकाल लेना है। तो यार ये एक्सपी उतना लैग कर रहा है, और फिर आपको चाहिए होता है एक स्टार जिसका नाम होता है नेदर स्टार, आई मीन नेदर स्टार तो एंड क्रिस्टल है, उसका नाम है एंड क्रिस्टल जिस तरह ये दिखने वाला। इसको बनाना भी ईजी है यार, मैं बाद में बताऊँगा अपनी सर्वाइवल सीरीज से। आपको सिंपली कुछ इस तरीके से रख रहे हैं आपको, हम देख पा रहे। तो अभी एक बार क्या कोई मैजिक दिख रहा है, तो मैं ना सबको बंद करके मैं सीधा चाहता हूँ। तो बस ये था हमारे ये वीडियो, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। के साथ, गुड बाय।